रक्षाबंधन की कहानी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली थी। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने आकार बढ़ा लिया है और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली है और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं, सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने राजा बलि को यह वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास वेश बदल कर गई और उनके पास जाते ही रोने लगी। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही हैं। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और राखी बांधने के बाद राजा बलि ने माता लक्ष्मी को रक्षा का वरदान देते हुए कहा, बहन तुम्हें क्या चाहिए? इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मांग लिया और राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी को लौटा दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पर्व मनाया जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी बहन भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।